जगदीश चंद्र बोस की जीवनी। जगदीश चंद्र बसु का जन्म 30 नवंबर 1858 को मेमनसिंह नगर, पूर्वी बंगाल, अब बांग्लादेश में, बाबू भगवान चंद्र डिप्टी कलेक्टर के घर में हुआ था। वह अंग्रेजी राज का समय था और हर कोई चाहता था कि उसका बेटा भी साहब बनकर हिंदुस्तानियों पर धाक जमाए। किंतु बाबू भगवान चंद्र धार्मिक विचारों के व्यक्ति थे, बहुत सादा जीवन बिताते थे। उनके विचार बड़े उच्च थे, वे अंग्रेज भक्त नहीं थे। इन सब बातों का जगदीश चंद्र बसु के बाल मन पर अच्छा प्रभाव पड़ा था। उनकी आरंभिक शिक्षा नगर के स्कूल में ही हुई थी। कालांतर में कलकत्ता के सेंट जेवियर्स कॉलेज में उन्होंने अध्ययन किया। कलकत्ता विश्वविद्यालय से बीए करने के बाद उनकी इच्छा हुई कि इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा में बैठें, क्योंकि उन दिनों इसका बड़ा महत्व था। किंतु उनके पिता नहीं चाहते थे कि उनका पुत्र अंग्रेजी शासन का नौकर बनकर अपने ही देश के लोगों पर अंग्रेजी कानून चलाए। तद्यपि वे उच्च शिक्षा के लिए उन्हें इंग्लैंड भेजने के लिए तैयार हो गए। इस प्रकार बसु लंदन के कैम्ब्रिज क्राइस्ट कॉलेज के छात्र बने और वहां से बीएससी किया। कॉलेज के अध्यापक उनकी प्रतिभा और लगन से प्रसन्न थे, इस कारण उन्हें बड़े वैज्ञानिकों के साथ प्रयोगशालाओं में कार्य सुधार करने का सुअवसर प्राप्त हो गया। भारत लौटने पर जगदीश चंद्र बसु को कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज के प्राध्यापक के रूप में नियुक्ति मिल गई, किंतु उस कॉलेज में भारतीय अध्यापकों को अंग्रेजी अध्यापकों के समान वेतन न मिलकर कम वेतन मिला करता था। बसु ने इसे नापसंद किया और विरोध स्वरूप उन्होंने 3 वर्ष तक अपना वेतन लिया ही नहीं, बिना वेतन लिए ही अध्यापन करते रहे। अंत में सरकार को झुकना पड़ा और बसु को अगला पिछला पूरा वेतन मिल गया। बसु विज्ञान के क्षेत्र में बहुत कुछ करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपने घर पर ही एक छोटी सी प्रयोगशाला भी बना ली थी। 10 वर्ष तक उसी छोटी सी प्रयोगशाला में वे विज्ञान के अनेक सिद्धांतों का परीक्षण करते रहते थे। उनके प्रयोगों का परिणाम सामने आया और 1895 में जगदीश चंद्र बसु का पहला शोध निबंध प्रकाशित हुआ। इसके तुरंत बाद 2 निबंध इंग्लैंड की रॉयल सोसाइटी द्वारा प्रकाशित किए गए। इसके लिए उनका वहां सम्मान हुआ और निबंधों की सोसाइटी की पत्रिका में भी स्थान प्राप्त हुआ। सोसाइटी ने उन्हें आर्थिक सहायता भी दी। कालांतर में जगदीश चंद्र बसु के निबंधों के आधार पर लंदन विश्वविद्यालय ने उन्हें विज्ञानाचार्य की उपाधि से विभूषित किया। आचार्य बसु निरंतर नई नई खोजों में लगे रहते थे। उन दिनों उनकी खोज का विषय जीव एवं वनस्पति विज्ञान थे। वे वृक्षों में चेतना और संवेदनशीलता खोजने लग गए। प्राचीन शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि वृक्ष भी हमारी भांति ही जीवधारी है, किंतु अभी तक इस पर विश्वास करना कठिन होता था। आचार्य बसु ने अपने अनुसंधान द्वारा यह सिद्ध कर दिया कि जिस प्रकार किसी जीवधारी को शरीर को चोट का अनुभव होता है, उसी प्रकार पेड़ पौधों को भी होता है। अपने अनुसंधान की पुष्टि के लिए बसु ने एक यंत्र बनाया था, जिससे वनस्पतियों में आघात होने पर स्नायुओं द्वारा होने वाले अनुभव का पता लग सकता था। इस यंत्र का नाम था रेशोनेट रिकॉर्डर। पश्चिम के वैज्ञानिकों ने बसु के इस सिद्धांत पर विश्वास ही नहीं किया। हाँ, इंग्लैंड के प्रोफेसर जब इस तरह के कुछ प्रयोग दिखाए तो वे वैज्ञानिक उसे ही महत्व देने लगे। तब आचार्य बसु इंग्लैंड गए। इससे पहले उन्होंने रॉयल सोसाइटी को अपने आविष्कारों के विषय में सूचना दे दी थी। वहां पहुंचकर बसु ने अपनी सूचना का दावा प्रस्तुत करके प्रयोग को वैज्ञानिकों के सम्मुख प्रस्तुत किया। उसे देखकर वे सभी वैज्ञानिक आश्चर्यचकित रह गए जो पहले उनका विरोध कर रहे थे। उन्हें बसु को महान वैज्ञानिक मानना पड़ा। रॉयल सोसाइटी ने आचार्य बसु को व्याख्यान देने के लिए 2 बार लंदन में आमंत्रित किया था। रॉयल सोसाइटी के अतिरिक्त कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालयों ने भी भाषण देने के लिए निमंत्रित किया। यूरोप के अनेक देशों ने भी उन्हें अपने यहाँ व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया। इसके बाद वे अमेरिका गए और वहाँ के अनेक विश्वविद्यालयों में उन्होंने अपने अनुसंधान संबंधी भाषण दिए। सन 1917 में आचार्य बसु ने कलकत्ता में बसु विज्ञान मंदिर की स्थापना की। इस विज्ञान मंदिर में न केवल भारतीय अपितु विदेशी
वैज्ञानिक विद्या अध्ययन करने के लिए आते रहे और आज भी आते रहते हैं। बसु ने रिस्पॉन्स इन द लिविंग एंड नॉन लिविंग तथा द नर्वस मैकेनिज्म ऑफ प्लांट्स नामक दो पुस्तकों की रचना भी की थी। उन्होंने रेडियो तरंगों पर बहुत काम किया। यद्यपि बसु वनस्पति शास्त्री के रूप में अधिक प्रसिद्ध थे, किंतु वे मूल रूप से भौतिक शास्त्री थे। विज्ञान जगत में क्रांतिकारी आविष्कार तथा प्रकृति के रहस्यों को स्पष्ट करने के लिए आचार्य बसु का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। उन्होंने आजीवन विज्ञान की सेवा की, जो भारतीयता से ओतप्रोत थी। वे चाहते थे कि भारत में भी विदेशों की भांति वैज्ञानिक अनुसंधान हो और भारतीय युवक इस दिशा में अधिक परिश्रम और लगन से जुट जाए, दूर देश में जाकर वहां के लोगों को अपनी ओर आकृष्ट करें। वे भारतीय वैज्ञानिकों की हर संभव सहायता करते थे और इसे वे अपना पुनित कर्तव्य मानते थे। मानव शरीर रहस्य का पुतला है, इसका कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। आचार्य बसु सन 1937 में अस्वस्थ हो गए, रोग बढ़ा और 23 नवंबर 1937 को इस महान पादप वैज्ञानिक के जीवन का अंत हो गया, किंतु उनकी स्मृति के रूप में वसु विज्ञान मंदिर आज भी विद्यमान है। वह अंतिम समय में अपने जीवन भर की कमाई, जो लगभग 15 लाख रुपए थी, इसी मंदिर को अर्पित कर गए हैं। इस मंदिर में आज भी देश विदेश के वैज्ञानिक आकर अनुसंधान कार्य में संलग्न रहकर आचार्य बसु की स्मृति को बनाए रखते हैं। दोस्तों, इसी तरह की इंटरेस्टिंग और ऐतिहासिक जानकारी के लिए हमारा चैनल हिस्टोरिकल इंडियन को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।